तो इसमें जो वन है वो है सपन वर्मा, ठीक है, वो सबसे बड़े वन है, वो है, इसीलिए बाकी माइक और स्टैंड एक साथ एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। दूसरे जो इसमें है, क्योंकि उन्होंने सोचा था ये जनन प्रजनन जो है इसका 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 उत्पत्ति इस शो की इसलिए हुई क्योंकि सपन को ये आइडिया है कि जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिनके साथ उन्होंने काम किया था वो बड़े फनी निकले वो, है ना, तो उन्होंने लगा कि यार ये लोग स्टैंड अप भी कर सकते हैं, तो ये आइडिया उनको वहाँ से आया। और जब ये आइडिया उन्हें आया तो उन्होंने हम सबसे पूछा, ठीक है, कि आप लोग करेंगे क्या। तो इसमें जो माइक है वो है सेलिब्रिटीज, ठीक है, है ना, उन्होंने जो है हाँ की, वो एग्री हुए, और अपनी इज्जत दाव पे लगाना कोई छोटी बात नहीं। आप किसी एक आर्ट फॉर्म में आप एस हो, आप ऑलरेडी अच्छा करते हो, उसके बावजूद आप रैंडमली किसी और आर्ट फॉर्म को अपनी सोशल क्रेडिट लेंड कर रहे हो और वो करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो आई थिंक वो ये एपिसोड्स जो हैं वो सारे उनके बारे में, तो वो वॉइस हैं उस एपिसोड्स के, तो वो माइक हैं, और हम लोग जो हैं वो साइड में सपोर्ट देने के लिए स्टैंड्स हैं, ठीक है। आई थिंक इंटरव्यू खत्म हो चुका है, चल सकते हैं, आई थिंक इससे बेटर आंसर नहीं मिलेगा। नहीं नहीं कुछ भी नहीं छोड़ा है, नहीं आई एम सेइंग इट्स टेक्निकली Amazon ओरिजिनल ऑन माय स्टैंड, तो उस टाइटल में से ओरिजिनल में गाइस जी 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 जी। तो बेसिकली हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, तो सपन उसके होस्ट है और हम लोग जो हैं कॉमेडियंस उनको हेल्प कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं, लेकिन बहुत एक्यूरेट। हां, एंड आल्सो द शो इज रिलीजिंग ऑन 15th ऑफ नवंबर, 15 नवंबर को ही आ रहा है। पांच एपिसोड सारे के सारे एक साथ आएंगे, सो पीपल कैन बिंज वॉच, एंड उस दिन छुट्टी ले लेना। हां, और यही करना जिंदगी में, यही एक्सपीरियंस बहुत ही सही था, बिकॉज जनरली हम परफॉर्म करते हैं, ये पहली बारी था कि हम किसी को थोड़ा सिखा के परफॉर्म करवा रहे हैं, एंड प्रेशर उन पे ज़्यादा है क्योंकि शो उनके बारे में हमारे बारे में नहीं है, तो और वो पहली बारी स्टैंड अप परफॉर्म करने वाले इन फ्रंट ऑफ कैमराज, इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस, जो अब अमेजोन पे जाने वाला है, वेयर द ऑडियंस विल जज देम नाउ। तो एज जाकिर पॉइंटेड आउट कि दे आर कमिंग विद एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर फील्ड, और वो यहाँ पर आके एक नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, तो इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस फॉर अस टू मेंटर समबडी। तापसी को, मेरे एपिसोड में तापसी थी, एंड तापसी एंड आई वर कॉलेज बडीज, नॉट बडीज बट लेट्स से वी न्यू ईच अदर इन कॉलेज, या आई थिंक तापसी विल डिनाई लेटर ऑन कि नहीं बडी तो नहीं था मेरा, वो बडी बडी बोल दिया क्या? आई थिंक वी वर इन द सेम कॉलेज, दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट, आई थिंक दैट्स। तो वो एक जानते हैं एक दूसरे को काफी टाइम से, तो इट वॉज फन एक्सपीरियंस दैट। एक्चुअली सेम है, क्योंकि आई वॉज मेंटोरिंग विशाल डडलानी, और विशाल डडलानी और मैं बहुत टाइम से दोस्त है, तो वो कम्फर्ट था, और लाइक यू सेड, अच्छी बात तो ये है कि ये सारे अपने फील्ड में परफॉर्मर्स ऑलरेडी है, तो जैसे विशाल जी का भी एकदम एक स्टेज प्रेजेंस ऑलरेडी है, तो इतना काम नहीं था, बस उनका जो वो स्टेज पे जाके म्यूजिक करते हैं, अब बस थोड़े कॉमेडी के रोल सिखाने थे, और सिखाना था कि कॉमेडी ऐसे होता है, थोड़ा रुकना चाहिए लाफ के लिए, ये करना चाहिए। लेकिन मैं एक्चुअली आपको स्ट्रगल और चैलेंज के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन कोई स्ट्रगल या चैलेंज था ही नहीं, क्योंकि ये लोग इतने नेचुरल है कि नहीं था स्ट्रगल, क्या बताऊँ मैं। I think that is why they were also willing to try it. Yeah. कहीं ना कहीं तो उनको थोड़ा तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर था कि हम कर सकते हैं। नहीं यार, मुझे मैं वही सोच रहा हूँ कि ये वाला बताया नहीं था मुझे, इसमें से ये भी मिलेगा। तो ये आई थिंक इनका बर्थडे पहले से था ना, तो वो भी एक बात है। तो आई थिंक मैं और भुवन हमने साथ में किया, तो हम भुवन को मैं भी थोड़ा पहले से जानता हूँ, हमारी थोड़ी बातचीत है पहले से, तो आई थिंक उसमें भी काफ़ी हेल्प हुआ कि एक फ्रेश नए इंसान से आप मिलना और उसको कुछ बताना कि ऐसा कर लो और ऐसा मत करो, वो ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू यू नो समबडी हु इज़ रेडी टू लिसन टू यू, है ना, तो उसको आप बता सकते हो कि यार ये ठीक लगेगा ये नहीं लगेगा। एंड आई थिंक दीज आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट पीपल, है ना, हु एक्चुअली नो हाउ टू डू दीज थिंग्स। अगर किसी आदमी को मतलब किसी को अगर मान लो दौड़ना आता है, वो एथलीट तो है ही ना, वो फिगर आउट कर लेगा स्पोर्ट कौन सा, ठीक है, तो उसका मीटर उसको फिगर आउट, तो वो मेरे ख्याल से वही वाली बात थी। वो आर्टिस्ट तो वो लोग हैं ही, हम एंटरटेनर्स हैं, दे नो हाउ टू एंटरटेन द ऑडियंस एंड कनेक्ट विद देम। बताइए, मैं उस एपिसोड पे नहीं था, लेकिन आई आल्सो थिंक क्योंकि हर एपिसोड में जो आपको दिखेगा, आपको वो जर्नी भी दिखेगी कि वो शो पे कैसे आया, उन्होंने क्यों किया वो सब, तो उसके लिए आप ऑनेस्टली शो देखिए। आई थिंक उसका एक बड़ा क्रेडिट जो है सपन को जाता है कि सपन ने बहुत डिलीजेंटली रिगरसली जो है बहुत तहजीब तमीज और पूरे इत्मीनान के साथ लोगों से बात करी, और बड़ा आई थिंक ये उनका इंटेलिजेंस है सपन का कि वो इस तरह के अलग अलग तरह के लोगों को वो इकट्ठा करके ये करने के लिए ला पाए, मना पाए, आई थिंक वो बहुत कमाल की बात है। उसमें शशि जी भी आए, ऋचा चड्डा भी थी, भुवन भी है एक तरफ विशाल ददलानी है, तो ये काफी तापसीपन काफी अलग 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 क्षेत्रों के लोग हैं एक साथ आए, बड़ा हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं। देखिए आप, ये वो वाली बात है ना कि एक कॉल सेंटर में एक होता आउटबाउंड, एक होता इनबाउंड,
तो हम तो कोशिश करें ना, जो सामने से मान जाएगा हम उससे करवा लेंगे। ठीक है, मोदी जी मैन वर्सेस वाइल्ड पे तो आ चुके हैं, तो शायद हो सकता है, हो सकता है वन माइक स्टैंड पे भी आ जाए। नहीं यार, नॉर्मली नॉर्मली इंतजार है, बेसब्री से तो नहीं। ज्यादा उम्मीद है, काम भी अपना काम भी तो करते हैं ना हम, मतलब यही तो। शाहरुख भाई बहुत मस्त आदमी, बड़ी बेटी, एकदम स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ये वो सब है। वो दुनिया में जो भी इंसान अच्छा हो सकता है, तेज दिमाग वाला, वो सब है। वो अगर करेंगे कॉमेडी तो बहुत एपिक होगा। फिर आई थिंक हम लोगों को भी दो चार सीखने को बात मिलेगी कि यार ये ऐसे करना चाहिए था, एक्चुअली हम 5-6 साल से गलत कर रहे थे। मुझे लग रहा है वो एपिसोड में हमें मेंटर कर देंगे कि तू कैसे कर। आप बोलो यार, आज दिल, आज जी खोल के नाचो। कोई मेंटरिंग मेंटरिंग कुछ नहीं भाई, आप बस बताइए, आप जो बोलोगे वो सब गोल्ड है, बस बताइए। वो स्टैंडिंग ओवेशन हर एक पे मिल जाएगा उनको। और अगर नहीं मिला तो बस ऐसे बैट ऊपर करो और सचिन सचिन। हमारे पास तो ये बात है कि देखिए, हम लोग सब कहानीकार हैं, हम लोग कहानियां कहते हैं, हम किसी आर्ट फॉर्म के गुलाम नहीं है। ठीक है, है ना। तो हमारे मन में जो कहानियां, हम उन्हें अलग अलग तरीके से अपने अपने जरिए से बनाने की कोशिश करें। ऑलरेडी आप लोगों के पास एक फिल्म है, हम लोग पास एक फिल्म है, एक फिल्म ऑलरेडी बन चुकी तो चल रही, अलग अलग फेस्टिवल्स में बहुत अच्छा करी। चिंटू इज डूइंग वेरी वेल, एबी की फिल्म है वो। ठीक है, मैं एक शो कर चुका हूँ चाचा विधायक हमारे, वो मेरा अमेजोन पे शो है, वो मैं कर रहा हूँ। अंगद अपना शोज लिख रहे हैं, तो हम लोग सब, हम लोग स्टोरी टेलर्स हैं, और हम जो मीडियम मिलेगा हम उसमें अपनी कहानी सुनाएंगे और सुनाते रहेंगे जब तक सांस चलेगी। And actually, आप ट्रेंड देखेंगे internationally also, a lot of stand-up comedians जाते हैं web series, movies, they become big movie stars and then they come back to doing stand-up. और अब माहौल इस तरीके का है ना कि हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं, हमें किसी के ऑडिशन देने जाने की जरूरत नहीं है ना, ना हम जाते नहीं, अब हम फनी हो गए तो अब मीटिंग में लोग सुन लेते हैं हमारी बात की, शायद ये कहानी भी ठीक सुना रहा होगा। भाई हमारा तो ऑडिशन यही की यही होता है, बिल्कुल हाफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी गैप नहीं होता हमारा ऑडिशन। ठीक है, यहाँ बोला यही फीडबैक आता है, कहीं से फिट फ्लॉप सब पता चलता है एक ही बार में। जी जरूर देखें और सारे एपिसोड्स देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत प्यार से, बहुत क्या कहते हैं, तफसील से बनाया है सब कुछ, जो उसमें बहुत वक्त लगाया, हमने 7-8 दिन लिए, बहुत सारी मीटिंग्स करी हैं और सबका खून पसीना है उसके अंदर, है ना। तो बस आप लोग जब देखेंगे तो आपको वो नजर आएगा, वो दिखेगा और उसकी खुशबू जो है वो आप तक पहुंचेगी। अब मैं क्या बोलूं, मतलब आगे बचा क्या है बोलने के लिए। मैं बस एक चीज, छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसमें कॉमेडी के साथ साथ लोगों को एक द प्रोसेस ऑफ कॉमेडी है वो भी थोड़ा देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली लाइक अगर आप देख रहे हैं कि जाकिर आपके फेवरेट कॉमेडियन है, तो वो किस तरह अप्रोच कर रहे हैं कॉमेडी सेट को, तो उस तरह से आई थिंक फॉर कॉमेडी फैंस एक एडिशनल एक और चीज है देखने के लिए। हाँ। कि कॉमेडी किस तरह से होती है, आपको कॉमेडी मिल रहा है और उसका बिहाइंड द सीन भी मिल रहा है। तो 3 1 माइक स्टैंड 15 नवंबर प्राइम वीडियो।